हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कोई ब्लॉग ना होते हुए एक इंस्पिरेशन, एक कनेक्शन, एक कम्युनिकेशन के ऊपर है। जो ये वीडियो है मेरा, वो इंडिया पाकिस्तान के बीच होने वाले रिलेशनशिप के ऊपर है। तो दोस्तों, मैं एक चैनल देखता हूँ, पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट टीवी, जो कि ये चैनल है शोएब भाई का, शोएब चौधरी, जो पाकिस्तान के पहले ऐसे यूट्यूबर और पहले ऐसे व्यक्ति नहीं, मैं तो उनको असाधारण व्यक्ति कहूँगा, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं आज तक किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर या चैनल वालों ने नहीं किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो है मेरा शोएब भाई, शोएब चौधरी, जो आजकल सिंध इलाके में घूम रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमें पढ़ाया गया, सिखाया गया, एक तरह से ब्रेन वॉश किया गया। और वो जो काम कर रहे हैं सिंध में, जो बाढ़ आई थी उसमें बहुत सारे हिंदू भाई, हिंदू कम्युनिटी के लोग बेघर हो गए, उनके पास घर नहीं है, खाने को नहीं है। तो शोएब भाई जो वो काम कर रहे हैं उसको, उनको दिल से धन्यवाद, उनको मेरा सैल्यूट, सलाम। तो अब बात करते हैं जो पाकिस्तान के लोग जो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। तो ज़्यादातर मुस्लिम लोग यही सोचते हैं कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है। तो मैं, जो लोग ये कहते हैं ना कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है, तो भाई एक बार इंडिया विजिट करके देखो कि इंडिया में मुसलमान महफूज हैं या हिंदू। भाई अगर रियलिटी देखा जाए तो पाकिस्तान के जो मुस्लिम, वो उनकी थिंकिंग पूरी तरह से गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में मुसलमानों से लोग, हिंदू लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, और मुसलमानों को यहाँ कोई डर नहीं है, उन्हें पूरे अधिकार है। अगर उनको अधिकार नहीं होते तो यहाँ पर मुसलमानों की जो आबादी है वो 30-40 करोड़ ऐसे ही नहीं हो जाती। आप देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो वहाँ पर 20% हिंदू थे, आज कितने परसेंट बचे हैं, 1 या 2%। क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए थे तो जो हिंदुस्तान को चाहते थे वो हिंदुस्तान में रह गए हिंदू, और जो पाकिस्तान को चाहते थे वो पाकिस्तान में चले गए। तो धीरे धीरे जब देश आज़ाद हुआ तो मुसलमानों ने हिंदुओं पर जुल्म करना शुरू कर दिया। फोर्स कन्वर्जन जो कि चलता रहता है सिंध के इलाके में, जितने भी आउट ऑफ एरियाज हैं, हिंदू लड़कियों को मुसलमान उठा के ले जाते हैं, शादी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ चल रही है, लेकिन उनका ब्रेन वॉश कौन करते हैं, वहाँ के जो मुल्ले, मौलवी और जो हेटर्स लीडर्स हैं। और सबसे बड़ा योगदान है उनके मदरसे, मदरसों में बच्चों को ना साइंस ना इंग्लिश पढ़ाई जाती है, बस थोड़ा बहुत उर्दू के अलावा इंडिया के बारे में नफरत फैलाई जाती है कि भारत हमारा दुश्मन है और हमसे उन्होंने कश्मीर में ये जुल्म किया है। भाई कश्मीर में क्या जुल्म किया है, कश्मीर में तो पाकिस्तान ने हमला करके कश्मीर को हड़पा था। कश्मीर एक अलग स्टेट था, जब पाकिस्तान के कबाइलों ने हमला करके कश्मीर को लूटना या हड़पना चाह, तो कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उनने भारत से मदद मांगी, तब जाके इंडियन आर्मी ने कश्मीर को बचाया। और कश्मीर का आधा हिस्सा जिसे पीओके बोलते हैं वो भी आज़ाद था, लेकिन उसने उसको पाकिस्तान ने हड़प लिया। तो पाकिस्तान में जितने भी नफरत हैं वो वहाँ के मुल्ला, मौलवियों और वहाँ के लीडर्स, उनने फैलाई है। और सबसे बड़ी कमी है एजुकेशन की, क्योंकि पाकिस्तान के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी। तो उन्हें बस ये जो बताया जाता है इधर उधर वीडियो देख के, बोलते रहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुओं से बहुत आगे भी है और पीछे भी है, और मुसलमान हिंदुओं पर ही जुल्म करते हैं और हिंदू सहते रहते हैं। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट पाकिस्तान में है,
पाकिस्तान में किसी हिंदू की औकात नहीं है कि वो मुसलमानों के खिलाफ बोले। आप जाके देख सकते हो पाकिस्तान में कितने हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं, जिनका कोई गिनती नहीं है। अनगिनत मंदिर तोड़े जाते हैं, और मंदिरों में भी जो पुजारी है वो बेचारे डर के मारे मुस्लिमों की टोपी पहनते हैं और नमाज पढ़ते हैं डर के मारे। कुरान भी उसमें रखी जाती है मंदिरों में। क्या कभी ऐसा है कि मस्जिदों में रामायण पढ़ रही है? इंडिया में हिंदू लोग मस्जिद में जाने से डरते हैं, क्योंकि इतना डर होता है कि अगर कोई बच्चा चला जाए तो पता वो जिंदा आएगा या नहीं। तो भाई ये सब एजुकेशन की कमी है, लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में। और शोएब भाई जो काम कर रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद कि आप ऐसे ही काम करते रहो और लोगों को जागरूक करते रहो। भाई गूगल करके देखो, जो आप सटीक क्वेश्चन पूछते हो ना कि भाई आपको ये किसने बताया, क्या कभी गूगल करके देखा है कि अपनी इकोनॉमी कहाँ है, इंडिया की कहाँ है, इंडिया ने कैसे डेवलपमेंट किया है? तो लोगों की मुँह से जवान नहीं निकलती है। तो यही चीज़ है शोएब भाई, आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, और हम भी यही चाहते हैं कि वहाँ के मुसलमान हिंदू तरक्की करे, आपका देश आगे बढ़े। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना तो यही है कि अगर आप ट्रेड करोगे तो 10 रुपये का फ़ायदा आपको होगा तो हमें 1 रुपये का होगा। आपके देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है ना, आपके देश में इंडस्ट्री है ना, IT है ना, टेक्नोलॉजी है। तो अगर इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपके लोगों में अवेयरनेस आएगी, पढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तभी तो आपका देश तरक्की करेगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी टीम इंडिया से पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान की टीम इंडिया आए, बॉर्डर खुले, वीज़ा खुले और सब एक दूसरे से व्यापार करें। अगर इंडिया पाकिस्तान मिलकर रहेंगे तो एशिया में एशियन कंट्री का ही जलवा रहेगा, कोई दूसरा देश हमारी तरफ आँख उठाकर नहीं देख सकता है। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका ने हमेशा इंडिया पाकिस्तान का यूज़ किया है, और USA अमेरिका ने ही हमेशा इंडिया पाकिस्तान को लड़ाया और मज़े लिए बीच में बैठकर। तो लोग अवेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे, और ये जो झूठी फर्जी बातें उन पर ध्यान ना दे। आप गूगल करके देखिए, गूगल पे सब कुछ है। और मैं तो ये कह रहा हूँ जिनको लगता है, वो इंडिया आके देखे तब पता चलेगा कि यहाँ पर हिंदू सुरक्षित हैं या मुसलमान। क्योंकि जब तक रियलिटी फेस नहीं होगी तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ें चलती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होए, इंटरनेट का यूज़ करें, तब आपको पता चलेगा कि ये नफरतें कहाँ से पैदा हुई और इसने इनको किसने जनरेट किया है। तो थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो अगर पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भाई नफरतें कम करें, तरक्की की राह पर चले, ये सब छोड़ दो। जो जिहादी तंजीम है उनको भी मेरा, उनसे भी मेरे ये रिक्वेस्ट है कि ये लोगों को बरगलाना छोड़ दो, नहीं तो पाकिस्तान ज़्यादा कुछ ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, और आप लोग जो जिहाद का जो प्रसाद बांट रहे हो वो आप पे भारी पड़ने वाला है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।